जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना। और बात करते हैं पिछले पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे जटायु जी वो अपनी एक दुर्घटना के बारे में बता रहे होते हैं प्रभु श्री राम जी को। दुर्घटना या फिर उनके जीवन का जो सत्य कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बड़े भ्राता संपाति के, जब संपाति जी ने उनसे ये कहा कि आप जो है ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि सबसे ज्यादा उड़ान तो मैं भर सकता हूँ। आपस में कंपटीशन हुआ और उस कंपटीशन में बड़े भाई ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए संपाति ने जटायु के पंखों की रक्षा की या जटायु की रक्षा की और जब धरती पर वापस आए तो उस वक्त संपाति उड़ने लायक नहीं रहे क्योंकि उनके पंख झुलस गए। अब इन पंखों को झुलसने के कारण जटायु ने ये प्रण लिया कि अब से मैं अपने भाई संपाति के साथ ही रहूंगा। यही कारण भी था कि वो अपने मित्र दशरथ से अलग भेंट नहीं कर पाए। और संपाति जी जो है सूर्य के किरणों से झुलसे थे तो अब उनको सूरज की किरणों में जाना ही पसंद नहीं, उनसे उनको भय लगता है। इसलिए ऐसे स्थान पर वो रहना पसंद करते हैं जहां पे सूरज की किरणें ना पहुंचे। चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से और सारी घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 150 पार्ट 1। यहां पहुंचते ही होंगे, मुझे इससे पहले इन्हें जगाना पड़ेगा। ये विधि इन्हें पसंद नहीं आएगी किंतु दूसरी किसी विधि से ये जागेंगे भी नहीं। Thank you.
दुस्साहस। किसने जगाया मुझे? किसने? मैंने जगाया आपको। शुभनखा, प्यारी बहना, क्या ये आवश्यक था? कुछ दिन ठहर नहीं सकती थी तुम? नहीं। प्रणाम चाचा जी। तो प्यारी बहना, मुझसे क्या चाहती हो? आपकी अनुमति। अनुमति? वो हम जग गए। कुंभकर्ण मेरे अनुज, अच्छी अनुभूति हो रही। तुम सब से मिलके ऐसा लग रहा है जैसे अपने मित्र दशरथ से भेंट हो गई। हमारा वनवास शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। आप हम सबसे मिलने अयोध्या अवश्य आइएगा। ये तो संभव ना होगा पुत्री। एक तो भैया संपत्ति का सूर्य की किरणों से दूर रहने का संकल्प, और फिर ऐसी अवस्था में उन्हें अकेला छोड़ना मेरे लिए उचित न होगा। उनके भोजन की व्यवस्था मुझे ही करनी होती है। कोई बात नहीं, संभवता है कि हम आपसे मिलने आए और आप मुझे तो प्रसन्नता ही होगी, और संभव है कि इसका परिणाम अच्छा ना हो। जैसा मैंने कहा, सूर्य से जिसका भी संबंध है, भैया संपत्ति को उससे घृणा है। फिर वो चाहे सूर्यवंशी ही क्यों ना, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी भेंट पुनः हो पाएगी। संसार में कब कोई कहां मिल जाए, कहां नहीं जा सकता। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं आपसे निश्चित ही पुनः मिलूंगी। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मैंने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया था। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो मैं किसी दिन अपने पराक्रम से तुम्हारी सेवा कर उस पाप से मुक्ति पाना चाहूंगा। से मिलकर आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति हुई, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। झुंड जब किसी अकेले शेर को शिकार करते हुए देखता है तो वो उस शिकार को खोने देता है। जब वो शेर बहुत ही ऊर्जा व्यय करके शिकार कर लेता है अकेला शेर, तब लकड़बग्घे क्या करते हैं, जब वो शिकार की आखिरी सांसें दबा रहा होता है तब लकड़बग्घे आ जाते हैं, क्योंकि शेर पहले से ही इतना थक चुका होता है कि अब लकड़बग्घों से लड़ने की उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती। लकड़बग्घे मौके का इंतजार,
उसी तरीके से रावण भी मौके का इंतजार कर रहे थे कि कैसे कुंभकर्ण उठे तुरंत सारी बहन की बहन ने और काम होगा रावण जी का, चलो तुम जाओ जरा वहां पे देखो दो आदमी है उनको निपटाओ, ऐसा कुछ कितना ऑर्डर दे रहे। और जिस प्रकार से दिखाया जा रहा था कि कुंभकर्ण जी को उठाने के कितना प्रयास कर रहा था, फिर कहा के पास धुंधलू बजाया जा रहा था। मुझे याद आ गई थी वो मूवी गुलिवर्स ट्रेवल, एक हम लोगों ने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, उसके ऊपर मूवी भी बनी थी, जिसमें एक आदमी नाविक जो रहता है वो बेचारा बह के एक ऐसे देश चला जाता है जहाँ पे लोग बहुत छोटे होते हैं, जयंत्रम आमंत्रम बनी थी। हाँ, और हॉलीवुड में गुलिवर्स ट्रेवल है और इंडिया में जयंत्रम। देखिये ऐसा मेरा मानना है कि भीमकाय या विशालकाय मनुष्य अपनी धरती पर रहते थे, इसके कई प्रमाण भी हमको प्राप्त हुए। जब पशु पक्षी इतने बड़े हुआ करते थे तो क्या मनुष्य बड़े नहीं हुआ करे होते थे। लेवल ऑफ ऑक्सीजन इतना ज्यादा था कि उनको कंज्यूम करने के लिए ज्यादा बड़े सेल्स की आवश्यकता थी, इसीलिए डायनासोर्स वगैरह जो भी प्रजातियों में मत हो गए, डायनासोर हो गए, साइबरटूथ शेर हो गए, ये सब उस टाइम पे बहुत ही विशालकाय और भीमकाय हुआ। वो सब तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही चले आते हैं वंशज। तो इसमें यही है कि अब देखते हैं कि इस भीमकाय शरीर जो कुंभकर्ण को मिल रखा है उसका किस प्रकार से रावण फायदा उठाते हैं, या फिर केवल ऐसे जस्ट फॉर बिजी रखेंगे जस्ट फॉर अलार्म। चलिए बिलाल इस एपिसोड को करते हैं मतलब ये समाप्त। शीघ्र मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।